खबर की और खबर राजधानी रांची से है। रिम्स के मरीजों के परिजनों का हंगामा बरपा है। रिम्स के सुरक्षा कर्मियों और परिजनों के बीच मारपीट हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों पर बदसुलूकी का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप सुरक्षा कर्मी नहीं दे रहे थे जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रिम्स के सुरक्षा कर्मियों और परिजनों के बीच मारपीट। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से रिम्स में परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई है। उसकी पूरी तस्वीर हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और परिजनों के बीच जमकर बवाल हुआ, जमकर नोकझोंक हुई है। पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां राज्य के सबसे बड़े अस्पताल, करीब 3 करोड़ से अधिक की झारखंड की आबादी का भरोसामंद अस्पताल राजधानी रिम्स में इस वक्त सुरक्षा कर्मियों और परिजन के बीच लड़ाई हुई है, झड़प हुई है। पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आपको बताएं, सुरक्षा कर्मी जानकारी नहीं दे रहे थे ऐसा आरोप लगा है परिजनों ने, और पूरे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में व्यवस्था की ऐसी तस्वीर न सिर्फ दुख देती है बल्कि लचर व्यवस्था की पूरी तस्वीर भी बयां करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। परिजनों का आरोप है कि जानकारी सुरक्षाकर्मी नहीं दे रहे थे, और इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सुरक्षाकर्मियों ने परिजनों पर बदसुलूकी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ परिजनों ने जानकारी न देने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रिम्स के मरीज और सुरक्षाकर्मी के बीच जमकर बवाल मच गया जब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हुआ है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, मतलब इकलौता ऐसा अस्पताल है जिस पर पूरे राज्य की आबादी का पूरा भरोसा है, और उसी भरोसे में ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं भरोसा टूट जाता है। ये किस भरोसे के साथ इस तस्वीर को देखा जाए जहां परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बवाल हो गई है? क्या है पूरा मामला, मैं दर्शकों को बताएं। अक्सर सुरक्षा कर्मी हो या फिर चिकित्सक हो, उनके साथ परिजनों की मारपीट की जो घटना है वो सरेआम हो गई है। अभी से कुछ घंटे पहले कोकर का रहने वाला एक मरीज है जो कि अपने परिजनों के साथ रिम्स लाया गया था। उसे कुछ जानकारी चाहिए थी, आयुष्मान योजना के तहत उसका इलाज कराना चाहता था। इन्हीं सभी जानकारी को लेकर वो लगातार रिम्स के सुरक्षा कर्मी और जो दूसरे लोग हैं उनसे जानकारी चाह रहा था, लेकिन अब तक उसे सटीक जानकारी नहीं मिली। यही कारण है कि परिजन जो है वो काफी आक्रोशित हो गए और सुरक्षा कर्मियों के साथ उलझ पड़े। सुरक्षा कर्मी और परिजन के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक परिजन है जो इलाज के लिए अपने मरीज को लेकर रिम्स पहुंचता है, उसे सुरक्षा कर्मी किस तरह से जो है वो पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हैं, और उसे जो सुरक्षा कर्मियों का जो केबिन है वहां ले जाते हैं, यानी सिक्योरिटी ऑफिस ले जाते हैं। तो आप समझिए कि जब कोई परिजन अपने मरीज को लेकर इलाज कराने आता है और वैसे में रिम्स के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इस तरह की मारपीट की घटना की जाती है, तो वैसे में लोगों का भरोसा रिम्स के व्यवस्था और रिम्स के जो चिकित्सक हैं उनसे उठता जाएगा। चाहिए कि रिम्स प्रबंधन इस पूरे मामले को संज्ञान में ले कि आखिर किसकी गलती थी, कौन दोषी है, और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश, सत्यव्रत, अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति का इस तरीके से इलाज हो जाए कि वो फिर से मरीज हो जाए, ये पूरी तस्वीर है। अगर कोई व्यक्ति जानकारी चाहता है तो इसमें ऐसा क्या हो गया, ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया कि तमाम लोग एक व्यक्ति पर भारी पड़ गए और स्थिति ऐसी आ गई कि हाथ उठाना पड़ गया, कानून को अपने हाथ में लेना पड़ गया। अभी क्या कुछ कार्रवाई होगी, कुछ होगी क्या, मतलब इस पर आश्वासन कुछ मिला है क्या अभी? देखिए, फिलहाल इस तरह की घटना रिम्स प्रबंधन के लिए जो है वो आम बात हो गई है। रिम्स प्रबंधन ऐसी घटनाओं को शायद नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि जो रिम्स के सुरक्षा कर्मी है, जो लापरवाह चिकित्सक हैं, नर्स हैं, उनका हौसला दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो रिम्स आते हैं ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिल सके, और वैसे में जब कोई परिजन रिम्स के सुरक्षा कर्मियों से मार खाकर वापस जाएगा तो आप समझिए कि जिस राज्य को, जिस अस्पताल को राज्य के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल होने का गौरव प्राप्त है, जिस अस्पताल पर राज्य के हर लोग को नाज है, गर्व महसूस होता है, वहां अगर किसी परिजन के मरीज के साथ
इस तरह की घटना हो, मारपीट की जाए, तो यह घटना शर्मसार है और रिम्स प्रबंधन को चाहिए कि इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और जो भी दोषी या अगर वो परिजन है या फिर अगर सुरक्षा कर्मी है उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से रिम्स की जो छवि है वो धूमिल होती है आकाश। जाहिर तौर पर सत्वरत, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा कि क्या आखिरकार रिम्स प्रबंधन ने कोई बड़ा फैसला किया, कोई कार्रवाई भी किया या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्वर तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा कर्मी और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है राजधानी रिम्स में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।